नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से खबर आ रही है। गंज बासोदा तहसील में राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ने के विरोध में अखिल भारतीय रघुवंशी छत्री महासभा ने विरोध जताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट राजीव धवन ने राम जन्मभूमि से संबंधित नक्शे को फाड़ दिया था, जिसके विरोध में अखिल भारतीय रघुवंशी छत्री महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री वीर सिंह, पूर्व मंत्री अजय सिंह, पूर्व विधायक हरि सिंह, विदिशा जिले के महासभा अध्यक्ष कैलाश सिंह और गंजबासोदा तहसील के महासभा अध्यक्ष पाल सिंह के साथ बड़ी संख्या में रघुवंशी समाज के लोगों ने राजीव धवन का पुतला जलाया। कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू महासभा द्वारा बतौर सबूत के तौर पर प्रस्तुत नक्शे को एडवोकेट राजीव धवन ने फाड़कर अक्षम मानसिकता प्रस्तुत की है। पूरे देश की भावनाएं, सभी नागरिकों की भावनाएं इससे आहत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम 5 जजों की पीठ के समक्ष जो हमारे न्याय का मंदिर है देश का, 130 करोड़ देशवासी जिस संविधान और न्याय पर भरोसा करते हैं, सीनियर एडवोकेट तथा कथित बाबरी मस्जिद के पक्ष के जो वकील थे, हमारे हिंदू धर्म की ओर से मंदिर का जो पक्ष रख रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट को लेके, नक्शे को लेके भाड़ना ये बहुत बड़ी अभद्रता है। हम पूरे देशवासी, रघुवंशी समाज ये मांग कर रहा है कि ऐसे उद्दंड एडवोकेट वकील का सनद जब्त की जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च पीठ के समक्ष और कानून के ज्ञाता सीनियर एडवोकेट इस तरह की उद्दंडता और गलतियां करेंगे तो देश को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम न्यायालय की भी अवमानना हुई है, सारे देशवासियों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। मैं मांग करते हैं हम समाज की ओर से, देशवासियों की ओर से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो स्वयं संज्ञान में लें और उनके सामने ये घटना घटित हुई है। संविधान पर लोग भरोसा कायम रखें, सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का सम्मान बचा रह सके, इसलिए आवश्यक है कि उस राजीव धवन एडवोकेट पर FIR भी हो और उनकी सनद भी निरस्त हो, ये मांग करते हैं।